विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्रीज प्लांट में केमिकल गैस लीक होने की वजह से एक बच्चे के साथ 11 लोगों की मौत हुई। उस वक्त करीबन 1000 से ज़्यादा लोग चेरी गैस की वजह से बीमार है। गैस लीक होने के बाद पूरा विस्तार खाली करने में आ रहा है। तब यह गैस का स्थित प्रभाव के सामने असरकारक केमिकल PTBC वापी के पूजा एंड सन्स केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में बनता है। यह केमिकल तुरंत मंगाने में आया था। हाल यह केमिकल वापी से दमन एयरपोर्ट पर और वहां से हवाई मार्ग से विशाखापट्टनम भेजने में आया है। PTBC यह कोटेकॉल में से बना एक कार्बनिक रासायनिक संयोजन है। यह ध्रुवीकरण अवरोध प्रभाव के लिए 60 डिग्री तापमान पर हाइड्रोक्विनोन से 25 गुना ज़्यादा अच्छा है और इसीलिए इसकी ज़रूरत उपस्थित होती है। इसके अंतर्गत वापी की GIDC में थर्ड फेज में आए के पूजा एंड सन्स केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के पार्टनर संजय खटाऊ ने बताया कि सुबह 6:30 बजे विशाखापट्टनम से फ़ोन आया था। इस अकस्मात का सामना करने उसकी कंपनी में बनते PTBC देने की मांग की थी। उसके अंतर्गत तुरंत भारत सरकार और गुजरात सरकार में रजूआत करते वलसाड कलेक्टर सहित अन्य उच्च अधिकारी भी कंपनी पर आ पहुँचे थे और तुरंत केमिकल एयरपोर्ट से हवाई मार्ग द्वारा विशाखापट्टनम भेजने में आया। आज सवेरे 6:30 वगे मैंने विशाखापट्टनम थी फोन आवेलो कि त्या एक मोटी दुर्घटना थी गई है स्टायरिंग टैंक में। तो ये लोग रिक्वेस्ट करूँ कि मैंने एम लोग TBC टेरा टर्शी ब्यूटाइल कैटेकोल अर्जेंटली जो है। तो मैं इमने सजेस्ट करूँ कि तमे एयरफ्रेट की कोशिश करो। तो एना माटे जे गुजरात गवर्नमेंट की सहायता मिली है, खास कर CMO डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्टर साहेब SDM वापी ए बधा मड़ी ने अमारे फेक्टरी में आवीने माल त्या दमन एरपोर्ट में पहुँचाव्यो। अने आजे सांजे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद थी वापी विशाखापट्टनम में माल पहुँची जैसे। अने मारी प्रार्थना छे अने मारी आशा छे कि ए माल वपराय थी आ पॉलिमराइजेशन जो थई रह्यो छे स्टायरिंगनो विशाखापट्टनम में ए रोकाई जैसे અને સિચ્યુએશન જે છે એ કાબૂના અંદર આવી જશે। जिसको पूरा देश योद्धा समझकर सम्मान दे रहा है, उसी अस्पताल के स्टाफ द्वारा निर्दोष की जान लेने का किस्सा सामने आया है। यह किस्सा वलसाड जिला की सिविल अस्पताल में बना है। जिला के बलीठा गांव की सगर्भा को डिलीवरी के वक्त दर्द शुरू हुआ था। उस दौरान नर्स द्वारा आवाज़ करते गुस्सा होने पर डरी हुई महिला स्ट्रेचर से नीचे गिरते मौत हो गई थी। जिला की इस चकचार घटना को सिविल विभाग द्वारा छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। बलीठा गांव के व्यक्ति की डिलीवरी का वक्त नज़दीक आते बलीठा से वलसाड सिविल अस्पताल ले जाने में आया था, जहाँ महिला को दर्द होते चिल्ला रही थी। तब नर्स द्वारा गुस्सा करते महिला स्ट्रेचर से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सगर्भा महिला के पति और परिवार को बड़ा सदमा पहुंचा था। दूसरी ओर बलीठा गांव के लोगों में गुस्से का माहौल छा गया है और चुस्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बातचीत करते उन्होंने बताया कि ऐसी घटना की कोई जानकारी नहीं हुई। अगर ऐसी कोई घटना सामने आएगी तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी जाएगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। કેવામાં માંગે છે કે ત્યાંથી નર્સ લોકોએ એની વાઇફને ગભરાવેલી કે તું બહુ ચિલ્લાય છે, તારું ઓપરેશન કરવામાં આવશે, એટલા માટે એ ગભરાઈ ગયેલી હતી। ને પછી આ લોકોને સ્ટેજર પરથી ઉતારી તો આ લોકોએ પકડીને રાખેલી। પછી એને કીધું કે ઓપરેશન કરવાના, તો એ ગભરાઈ ગઈ એટલે પડી ગઈ ને પછી આ થયું, એનું એક્સપાયર થઈ ગયું। પછી નર્સનો મતલબ એવું કહેવાનું હતું કે તું બહુ ચિલ્લાય છે, તારું ઓપરેશન કરવામાં આવશે, બસ મેઇન કારણ આજ હતું એવું લાગે છે આની વાત પરથી। વાત આગળ ડિલિવરી કે ટાઈમે પેટમાં પેટ દર્દ હો રહા થા મેરી વાઇફ કી, તો ઇસલિયે મેં એમ્બ્યુલન્સ કો બુલાયા, વલસાડ ગયે થે। તો વલસાડ ગયેને બાદ કંટ્રોલ મેં લિયા તો બોલા થર્ડ ફ્લોર મેં જાઓ, તો વહાં પે ગયે તો બોલા વલસાડ અપના યે બલેઠા વાલે હૈ તો વહાં કોરોના પોઝિટિવ બહુત આયા હૈ તો યહાં પે અપના ડિલિવરી યહાં પે નહીં કરતે હૈ, तो दूसरी जगह वहाँ पे जाओ नीचे, जहाँ कोरोना का जहाँ निकलता है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इलाज कराइए। उसके बाद वहाँ पे दो दिन रखें,
तो बीपी क्या सबको दे रहा है, क्या चीज़ दे रहा है, उसको पता नहीं रहा है, सुई दे रहा है, दे रहा है। कोरोना का टेस्ट किया, बुजुर्ग नहीं निकला, कोरोना नहीं निकला। वाइफ ने फिर थर्ड फ्लोर फिर दूसरे तीसरी बार भेजा, दूसरी बार तो वहाँ पे गया था तो डिलीवरी का टाइम हो चुका था, तो हो गया था तो फिर सुई डाला, टेटनस का सुई डाला तो दर्द हो गया। तो सिस्टर लोग ने उसको डराया कि आपको ऑपरेशन होगा, तो मेरी वाइफ घबरा गया कि आपका ऑपरेशन हो। उसके बाद फिर उसको नीचे बुलाया ऑपरेशन के लिए, साइन उन सबसे साइन ले लिया, मुझे साइन ले साइन कर दिया है, ठीक है सीजर होगा, अच्छा होगा। तो फिर गया तो उन लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, जितना भी बोल रहे चिल्ला के चिल्लाया गया तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा। तो मेरी वाइफ हट से वो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद नीचे उतारा, फिर ऑपरेशन के लिए नीचे उतारा तो हम लोग पकड़े थे तो दो सिस्टर, ऐसा एक सिस्टर था, दो सिस्टर था तो पकड़े, हमें भी पकड़े, ठीक है। तो मेरे वाइफ का जो घबरा गया ना, तो ऐसा क्या ना, तो नीचे गिर गया, पेट के ऊपर गिर गया, तो उसमें चोट लगा, उसमें बेहोश हो गया। उसके बाद फिर ख़त्म हो गया, फिर मैं एम्बुलेंस में लेके आया था, दफना दिया फिर हमें। वलसाड में एक चकचार घटना बनी। लॉकडाउन के दौरान भी शहर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। शहर के एक विस्तार में 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया होने की बात सामने आई। बच्ची के घर के पास रहते आरोपी ने एकांत वाली जगह पर ले जाकर यह दुष्कर्म किया था। एक आरोपी सगीर था तो दूसरा 23 वर्षीय था। पड़ोस में रहते दोनों आरोपी ने बारी बारी यह दुष्कर्म किया था। बच्ची द्वारा चिल्लाते यह मामला सामने आया था, जिसके बाद बच्ची की माता ने पुलिस स्टेशन जाकर फरियाद दर्ज करवाई थी। यह दोनों आरोपियों ने पहले भी बच्ची के साथ छेड़खानी की थी। बच्ची की माता द्वारा फरियाद करते पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक आरोपी को लॉकडाउन के नियम अनुसार हाल सिविल अस्पताल में कोविड वार्ड में रखने में आया है। कालाबाजारी करने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी कमाई नहीं छोड़ते। हाल पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तब वापी गुंजन विस्तार में आई अनाज की दुकान के सामने लोगों का कोप दिखने को मिल रहा है। नियम अनुसार सभी कार्डधारक को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, पर यहां सरकारी अनाज के संचालक खुद की कमाई ढूंढ रहे हैं, जिसके अनुसार राशन लेने आते कार्डधारक को ई फॉर्म भरने का बोलकर पास में आई जेरोक्स की दुकान पर भेजने में आता है। यह दुकान पर कार्ड धारक 10 रुपये देते हैं तब फॉर्म मिलता है। यह फॉर्म लेकर फिर से सरकारी राशन की दुकान पर दिखाने के बाद राशन मिलता है। इस तरह दुकानधारक और जेरोक्स संचालक ई फॉर्म के नाम से रोज़ सैकड़ों लोगों से 10-10 रुपये वसूल करते हैं। इस मामले में जब दुकान के संचालक को बताने में आया तब उसने तुरंत जेरोक्स की दुकान के मालिक को फ़ोन करके पैसे लेने से मना कर दिया और पैसे नहीं लेते ऐसा बताया। तो दूसरी ओर राशन लेने आते कार्डधारकों ने बताया कि जब वह राशन लेने आते हैं तब दुकानधारक द्वारा जेरोक्स की दुकान पर भेजकर 10 रुपये वसूल करने में आते हैं। इस मामले की जाँच पुरवठा विभाग और मामलतदार द्वारा की जा रही है। जेरोक्स ने तुम्हें कितना बता दिया? 10 रुपया। अजय तुम्हारा 10 रुपया ना जेरोक्स ना पैसा लोगो ले छे त्यां, तो मामला तरफ थी केवामा आयो छे 10 रुपया लेवामा जेरोक्स वाला ने आयो नथी, ऑपरेटर ने कीधु छे ने हमारा तो खाली जोई हमारा तो आज ने मैं फोन कर दिना बंद कराई दीतो छे। बंद करावानो नहीं मतलब आ मामला तरफ कीधु छे कि नहीं? ये तो खाली हमारा तो आज जोई खाली। तो તમે ત્યાં કસ્ટમર ને મોકલાવો છો? લિસ્ટ આ તો જોઈશે ને, ઓનલાઈન પેલું ઓનલાઈન કરવાનું? ઓનલાઈન પેલું તો તમારો મતલબ શું? ત્યાં ઓનલાઈન કરાઈને તમારા કાર્ડ જોઈને તમારે કરવું આવજો, તમે બપોરે પેલા આવશે ને ભાઈ? આપણે કોણ આવશે આલો ખાતે ડાયરેક્ટ લિંક કરાવો ને ત્યાંથી, ગામની લોકોને ખબર નથી। મને અહીંયા કહેવામાં આવ્યું કે ઈ ફોર્મ જોઈશે, તો મેં કીધું એવી તો કોઈ માહિતી અમારી પાસે નથી, ની કે જોઈએ। તો મેં કીધું આ કામ મળશે? તો કે છેડા સ્ટોરની પાછળ જઈને લઈ આવવાનું, ત્યાં 10 રૂપિયા તમારી પાસેથી લેશે। ત્યાં ગયો, ત્યાં 10 રૂપિયા આપ્યા અને ફોર્મ લાવ્યો, હવે આ લોકોએ રાશન મને આપ્યું। મને તો ઇલીગલ જ લાગે, એમને મેં એ બી કીધું કે આગળ બી એક વખત હું અહીંથી લઈ ગયેલો છું
એની આમાં રાશન કાર્ડમાં એન્ટ્રી છે તે કે એ કાંઈ નહીં કે એ તો લાવવા જ પડે. આજે જેટલા બી લોકો સવારથી લઈ ગયા બધા જ સવારથી જેટલા બી આવેલા કસ્ટમર એ લોકો બધાને પેલું ત્યાં મોકલાવેલું છે લેવા માટે. વિસ્તાર ગુંજન એરિયા. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कंपनी और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रदेश में कई छूट मिली है. बिल्डर अनिल दीक्षित ने बताया कि हाल प्रदेश में बहुत छूट मिल रही है और कंपनी भी शुरू हो गई है, इसलिए कंपनी के कामदारों हड़ताल छोड़कर प्रशासन को सहयोग करें और कानून को हाथ में न लें. दीक्षित द्वारा मजदूरों को अपील करने में आई कि वह यहीं रहे और सुरक्षित रहे. फर्स्ट लॉकडाउन हुआ है तब तो हम लोगों का या पूरे दादरा नगर हवेली का काम काज सब नॉर्मल था, बहुत अच्छा था. तब हमारे पास कम से कम 100-125 आदमी काम कर रहे थे. लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद आदमी जो नज़दीक के नियर बाई के आदमी थे वो लोग निकल गए कि 3 हफ्ते का लॉकडाउन है, तो निकल गए. अभी हमारे साइट पर 15-20 आदमी थे जो आज भी हैं. 20 अप्रैल के बाद से परमिशन दादरा नगर हवेली गवर्नमेंट ने देना चालू कर दिया, क्योंकि 30% आप चालू करो. तो हमने 30% चालू किया. क्या जो है मजदूर उनको सबको रोजगार दे रहे हैं. अच्छा. और वो लोग काम कर रहे हैं. ऐसे ही इंडस्ट्री में भी है. इंडस्ट्री में भी उन्होंने जितने मजदूर थे उनके हिसाब से उनको 30% या कहीं ज़्यादा मजदूर हैं तो उनको रोटेट करने के लिए बोला कि भाई आप 2 शिफ्ट चलाओ, 1 शिफ्ट में 30% दूसरे को बुलाओ. दूसरे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी जो दादरा नगर हवेली है ये भारत के गिने चुने 5 राज्यों में सबसे सेफेस्ट जगह है. तो मैं खासकर उत्तर भारतीय बिहार, झारखंड, उत्तराखंड से लेके उड़ीसा तक के जितने यहाँ मजदूर हैं, राजस्थान के, एमपी के, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाइयों ये जो दादरा नगर हवेली है इससे सेफ जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा. घर सबका सुंदर होता है, गांव सबका सुंदर होता है, लेकिन आज आपकी बात ये है कि कोरोना की वैश्विक महामारी में आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ ग्रीन जोन है, आपको फ्रीडम मिला, तो आपको लग रहा है कि पूरे देश में ऐसा ही फ्रीडम है. ऐसा नहीं है. जहाँ रेड जोन है वहाँ बहुत बुरा हाल है. तो आप यहाँ सिलवासा को छोड़ के जाने का एकदम ही अपने मन से जो भी ध्यान में आपके आया है कि हम यहाँ से जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एकदम निकाल दीजिए, एकदम निकाल दीजिए. आप दादरा नगर हवेली की प्रशासन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्था है वो देश में अग्रणियों में गिना जाता है. आज दादरा नगर हवेली प्रशासन, हमारे कलेक्टर साहब हैं, हमारे RDC साहब हैं, हमारे CO साहब हैं, प्रशासक महोदय तो पूरे दोनों प्रदेशों, संघ प्रदेशों को इतना सुरक्षित के लिए वो भी 16 घंटा काम कर रहे हैं. तो हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस महकमा 16 घंटा काम कर रहा है. हम लोग अपने घरों में बैठ के उनका कम से कम सहयोग नहीं कर सकते हैं तो विरोध तो नहीं करना चाहिए. जो घटनाएं शिवाजी अभी 2 दिन पहले नरौली में हुई, पिपरिया में हुआ, उधर सनातन इंडस्ट्री में हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है. कि मजदूर भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो रहें यहाँ, धैर्य रखें, अपनी जिस भी संस्थाएं में, दुकान में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, पहले सबसे पहले अपने संस्था के अधिकारी या मालिक से संपर्क करें कि हमें खाने का तकलीफ है. अगर वहां से वो समस्या दूर नहीं होती है तो फिर वो प्रशासन को संपर्क करें. प्रशासन 16 घंटा काम कर रहा है, 16 घंटा बता देता हूँ. ऐसा प्रशासन कहीं का नहीं काम कर रहा है जैसा दादरा नगर हवेली का काम कर रहा है. अगर वहाँ से आपका नहीं होता है तो आप सामाजिक संस्था, हम सबों को संपर्क करो. हम 2-4-10 कहीं भी अगर ऐसे फंसे हुए हैं, उनके खाने का नहीं, हम देंगे. अगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, बिल्डर एसोसिएशन है, सारे लोग काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं कर रहे. ये है कि लोग मीडिया में नहीं आ रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं किसी भी किसी माध्यम से कर रहे हैं. तो हमारा अभी फिर एक बार विनम्र निवेदन है कि उत्तर भारतीय समाज या अदर जो भी समाज हैं, राजस्थान समाज के लोग हैं, राजस्थान से लोग हैं, प्रवासी मजदूर जो भी हैं, उनको यहाँ से जाने का जो होड़ लगा हुआ है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित जगह पे है. लॉकडाउन को 44 दिन पूरे हो गए हैं. मजदूर वर्ग के लोगों के पास जीवन जरूरी चीज़ें पूरी हो रही है. मजदूर वर्ग के लोगों के पास जीवन जरूरी चीज़ें समाप्त हो रही है. सरकार द्वारा अनाज की दुकान द्वारा अनाज की व्यवस्था करने में आई है, पर इतना पर्याप्त नहीं है. ऐसी परिस्थिति में विस्तार के कई अमीर दानवीर गरीब मजदूरों के लिए भगवान रूप बने हैं.
धर्मपुर विस्तार के वेलवाज, चिवाई, कच्ची गांव और काकड़मती गांव के सेवा यज्ञ करते दानवीरों ने आज रोज चंदा इकट्ठा कर विधायक अरविंद भाई पटेल को साथ में रखकर विस्तार के गरीब मजदूरों के जरूरतमंद लोगों को 1100 रुपए की अनाज की किट देने में आई थी। कच्ची गांव में बन रहे पुल की कामगिरी के लिए वहीं रहते मुस्लिम मजदूरों का रोजा होने की वजह से फ्रूट देने में आया था। विधायक अरविंद पटेल द्वारा एक वृद्ध को किट देते वह वृद्ध चाचा रो पड़े थे। वृद्ध चाचा को माला पहनाकर सम्मानित किया गया था और कोरोना की महामारी में सेवा यज्ञ का लाभ प्राप्त करने का संदेश लोगों को दिया था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जारी किए लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज जोन में रखे वलसाड जिला में जारी किए नियम बदलने में आए हैं। पहले नियमों में शहरी विस्तारों में आए मार्केट प्लेस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में आई दुकान चालू करने की छूट देने में नहीं आई थी, पर अब जिला कलेक्टर के आदेश से गुरुवार की देर रात को हुक्म जारी कर जिला के सभी विस्तारों में 19 प्रकार के व्यवसाय रोजगार चालू करने की छूट देते व्यापारियों में खुशी का माहौल छा गया था, जिसके अंतर्गत वलसाड शहर में दुकानें खुली और सभी को सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के नियमों का भंग न करने की सूचना दी। ऑरेंज जोन में दुकानें खुलते और छूट छाट मिलते शहरी लोगों में खुशी का माहौल छा गया था। गुजरात सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग को मुश्किलें ना हो, इसलिए राशन कार्ड धारक के परिवार को कार्ड के आधार पर 10 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 1 किलो शक्कर और दाल का बिना किसी दाम के वितरण करने में आया। पर कई सरकारी अनाज की दुकान के संचालक ऐसी परिस्थिति में भी कालाबाजारी करना नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक किस्सा वापी के कोड़ीवाड़ विस्तार में दिखने को मिला। कोड़ीवाड़ विस्तार में 500 से ज़्यादा APL कार्ड धारक है। यहाँ गजानन पटेल नाम के व्यक्ति की सरकारी अनाज की दुकान चल रही है। सभी कार्ड धारक को सरकार द्वारा तय किए नियमानुसार गेहूँ, शक्कर, दाल जैसी चीज़ें मुफ्त में दी जा रही है, पर गजानन भाई द्वारा एक राशन कार्ड बगैर की महिला को पैसे लेकर 10 किलो अनाज देते गांव के लोगों में गुस्से का माहौल छाया था। गांव के लोगों ने बताया कि जब राशन लेने लाइन लगी थी तब दुकान के संचालक ने महिला को बुलाकर उसके पास पैसे लेकर अनाज दिया था। गांव के लोगों ने यह पूरी घटना का वीडियो भी लिया था। इस मामले के बारे में जब दुकान के संचालक को पूछताछ करने में आई तब उन्होंने यह महिला गरीब है और स्टॉक में से अनाज मंगाया होने को बताया था, पर मामला बिगड़ते संचालक द्वारा गांव वाले लोग फंसा रहे होने का आरोप लगाने में आया था। APL 1 में 10 किलो गेहूं, 3 किलो चोखा, 1 किलो चना की दाल, 1 किलो खंड कार्ड डीट आम तो 500 ऊपर जो है, काले 16 ले गया, आज अत्यारे चालू थयो छे।
ઓકે, અત્યારે જે વિડીયો બહાર આવ્યો છે કે એક લેડીઝને તમે 10 કિલો ગયું આપ્યા છો, મેં તદ્દન ખોટી આજુલા લોકો ઉપસાળી કાઢેલી વાત છે, અને એ લોકોના ભાડુતરૂમવાળા જે છે ને એ લોકોને લાવીને એ લોકો આવી રીતે તદ્દન કરાવે છે, એ લોકોને મોકલાવે છે અમારું ચોખ્ઠું કોઠવા માટે, પણ મેં ના જ પાડું છું, એમાં કોઈને આપતો નથી, 10 કિલો સિવાય વગર કોઈને આપતો નથી, 10 કિલો ગેહુંનો જે વિડીયો, નહીં નહીં કોઈ નહીં, એ લોકો બધું જૂઠી જૂઠી બધી વાત કરે છે, ને એ લોકો હું છે હમણાં પરવાતા છે બધા, ને ઘરે બેહેલા છે એટલે આવું બધું કંઈ ને કંઈ ટોપિક ખોદી કાઢે, તો લેડીઝ લેકિન મોબાઈલમાં ક્યાં કરે કે ભાઈ હા 10 કિલો મને ગેહું આપ્યા છે, તો તમે બી તો કીધું છે કે અંદરથી ભાઈ કે તે બીજો માલ છે, આ કંટ્રોલનો માલ નથી, ખોટી વાત છે. गांव के लोगों ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले सरकारी अनाज की दुकान के संचालक के खिलाफ मामलतदार और पुरवठा विभाग में फरियाद की थी. कल हमें 11:30 वगैरह टाइम यहीं आया था, ते टाइम पर जो यूं कि चलो अपने राशन ले आवे, ने हमें जे कार्ड में राशन लेवा था, ते टाइम पर यूं थियो कि हमें लाइन में उभा था ते टाइम पर एक भाई आवी, हमें બે લેડીઝ હતી, એક લેડીઝ પેલા ત્યાં અગાડી ઊભી હતી ને એક બે લેડીઝ અહીંયા ઊભી હતી, તે ટાઈમ પણ અમને અમે પૂછ્યું તો તમે શું લેવા આવ્યા, તો ઘઉં લેવા આવ્યા, તો ઘઉં લીધા અહીંયા, તો પૈસા મૂકતા મારા મિત્રે જોયા એમને કે આ વગર પૈસા આપતા હતા, પૈસાવાળા ઘઉં કેમ આપ્યા, વેચવાનું તો બંધ છે હમણાં, તો પૈસા તો આપતા નથી ઘઉંમાં, એમને પૂછ્યું પૈસા હા ના આપ્યા, તો કંઈ નહીં, ભાઈ એમ પૂછ્યું કે તમને શું શું રાશન આપ્યું, તો એ રાશનમાં એમ કે ખાલી ઘઉં લીધા છે, કારણ કે ઘઉં દાળ બધું આપે છે, પછી ઘઉં કેમ લીધા, પછી અમને ડાઉટ ગયો કે આ પૈસા આપ્યા છે, તો એ પૈસા આપ્યા છો એના માટે કાંઈ પૈસા આપ્યા કે એ આ ચીટિંગ કરે, એમ આ માણસ સીટિંગ કરશે, ઘઉં એને 20 કિલો જેટલા ઘઉં આપ્યા, તો અમને પૂછ્યું અમે કે ભાઈ ગજાનંદભાઈ આ ઘઉં શાના આપે તમે, ગજાનંદભાઈ કે આ ઘઉં અમે એટલા માટે આપ્યા કે મારા પાસે હતા ગરીબ છે એટલા આપ્યા, મેં કહું તમને આપવાનો અધિકાર ખરો કે, તો હા એમ કે અમે દુકાનથી લાવીને આપીએ, કે અમે સ્ટેટમેન્ટમાં બી અને વિડીયો એનું રેકોર્ડિંગ બી કરેલું છે મેં, એ બી અમને બતાવ્યું કે આ તમે વિડીયો રેકોર્ડિંગ થતું છે, તમારા તો કોઈ દુશ્મની મળે, જે સાચું હોય તમને જણાવો, એટલે અમારા આગળ કંઈ વાત કરવા થાય એમ, એના માટે એને પૂછ્યું, તો એ માણસે એમ કીધું કે આ વસ્તુ જે છે અમે અમારી મરજીથી અમારા પર્સનલ ઘઉં આપીએ છીએ, મેં કહ્યું કે ઓકે ના પ્રોબ્લેમ તમે આપી શકો, તમારા પછી અમે પછી સાહેબને ફોન કર્યો પુરવઠી ખાતામાં કે સાહેબ આ કંટ્રોલમાંથી કોઈને બી એક મુઠ્ઠી ઘઉં બી આપવાના ખરા કે આપી શકે પોતે આ કંટ્રોલ માલિક, કારણ કે એ નહીં આપી શકે, એક મુઠ્ઠી બી ગવર્મેન્ટ અધિકારી એ મળે જ નહીં કે કોઈને ઘઉં આપી શકે એમ કે, મેં કહું સાહેબ કાલે આવીને તમે જોવો અને ચકાસણી લો, એટલે આજે સાહેબ આવેલા છે, પછી આગળ ચકાસણી શું થાય તે પ્રમાણે તમને જણાવશે. જે ગઈકાલે સવારના 11 વાગે કે અમારે ગામના મતલબ અત્યારે અહીંયા આવેલા હતા કે રાશન લેવા માટે, તો એ લોકોને જાણવા એવું મળ્યું કે મતલબ જે ખરેખર મતલબ ફ્રી અનાજ આપવામાં સરકાર તરફથી આજે મતલબ ગરીબ લોકોને રાશન કાર્ડમાં મતલબ ફ્રી અનાજ આપે છે, તો એ લોકો મતલબ અહીંયા રાશન લેવા માટે આવેલા છે, તો એમની પાસે કયો કોઠો મતલબ વધારાનો પડી જાય કે મતલબ કે પૈસાથી વેચાણ કરી રહ્યા છે, કે ખરેખર એ લોકો મતલબ પૈસા લેતા પણ જોયા છે, અને મતલબમાં જે ફોન કરીને ડાયરેક્ટ રૂબરૂ બોલાવે છે, અને મતલબમાં આ ગજાનંદભાઈ એમ કહેવા માગે છે કે એ તો મારા પર્સનલ ઘઉં હતા, તો પર્સનલ એવા તો ઘઉં આવે નહીં કે મતલબ એની ઘરથી અનાજ તો આ લાવ્યો નથી, આ સસ્તા અનાજની દુકાન છે અમારા વાપી કોળીવાડમાં, મતલબ અહીંયા જે એને જે ચલાવવા માટે આપેલી છે તેમાં ખરેખર મતલબમાં આવા ટાઈમે ઇન્સાનિયત નિભાવવું જોઈએ, માનવતા નિભાવવું જોઈએ, અને ખરેખર આ વસ્તુ નહીં થાય કે વર્ષોથી કાળાબજાર કરતા હોય તો મતલબ આ ટાઈમે તો ન કરો, એટલે મતલબમાં આ ગામના લોકોએ પણ એને મતલબમાં જે રંગ્યા હાથ ઝડપો તેમાં ખરેખર મતલબ એમની ભૂલ થાય છે, ને આવા માણસોએ મતલબ કંટ્રોલમાં આ રીતે મતલબ નહીં કરવું જોઈએ, માનવતા અત્યારે નિભાવવું જોઈએ. મામલતદાર સાહેબને જાણ કરવામાં આવી છે, એમનો સર્વેર ઓફિસર મતલબ અત્યારે મતલબ સર્વે કરી રહ્યા છે અને માહિતી લઈ રહ્યા છે, માહિતી લઈને મતલબ મામલતદારને કહેશે ને પછી ચકાસણી કરીને એ લોકોનો કંઈ યોગ્ય નિર્ણય લઈ તો સારું છે, કેમ કે આવા ટાઈમે આ વસ્તુ નહીં ચાલે.